और यह समय जो दृश्य आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हो, वहाँ में भगवान के चल विग्रह को श्रृंगार है चुको है और बिनकी श्रृंगार आरती की तैयारी करी जा रही है। अहो भाग्य वसुदेव के कालिंदी आतुर हैं समस्त सीमान को तोड़ के श्री कृष्ण के चरण पखारवे की अभिलाषा मन में लिए। मेघ गर्जन ऐसा कि आज ही षष्ठी पूजन को रसाभिषेक करना चाह रहे हैं। आज सुबह ते ऐसे ही कभौ बदरा छाए रहे हैं, कभौ मीठी मीठी फुहार रसू पड़ रही है और जे भक्तन को रेला और बिनके ऊपर पुष्पांजलि की फुहार एकदम पुष्प बरसते भय पंखुड़ी बरसती भई, क्योंकि भगवान के प्राकट्य को आनंद उल्लास कछु और ही है। और ऐसे में जब कन्हैया यमुना के चरण यमुना में अपने चरण प्रक्षालन के ताई जानो चाह रहे हैं तो वसुदेव के सूप में बिनको छत्र बनके कालिया नाग हूँ बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब प्रभु आमे और कब बिनके दर्शन होवें। हम जे बताए देवें कि कोविड वैश्विक महामारी के चलते जे 2 साल के बाद जो भक्तन को उन्माद उत्साह और एक अभिलाषा है प्रभु के दर्शनन की, वो देखते ही बन रही है। और जो घर में इकले बैठे हैं बिनके ताई हम कहना चाहे हैं कि बिनके संग कृष्ण हैं और कृष्ण में असंख्य कृष्ण हैं। कृष्ण रूप हैं, रंग हैं, अर्पण हैं, दर्पण हैं, समर्पण हैं। कृष्ण विरह हैं, प्रीत हैं, कृष्ण गीत हैं, संगीत हैं, कृष्ण कदम्ब हैं, बाग हैं, गुलाल हैं, भाग हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। आज पूरा विश्व रथांग पाणि का, अच्युतानंद का, गोपी जन वल्लभ मधुरिपु का जन्मदिन मना रहा है और मुझे लगता है कि 3 कारण और हैं, उन 3 कारणों के कारण ये जन्माष्टमी विशेष हो जाती है। पहली बात ये है कि इस वर्ष हमारा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर रहा है। 74 वर्ष पूरे हुए इस देश को आज़ाद हुए और हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और सामान्य रूप से 75वें वर्ष में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो संन्यास आश्रम की ओर बढ़ता है आगे, यानी दुनिया को राह दिखाता है। हमारा देश भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा दूसरा कारण मुझे लगता है कि इसी वर्ष अभी हाल में लंदन ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, हमें 7 पदक मिले। और यही नहीं, टोक्यो का जो पैरालंपिक हो रहा है उसमें आज तक 5 मेडल हमको मिले हैं जिसमें 2 गोल्ड हैं। तो इस समय पूरे देश का आत्मविश्वास अपने चरमोत्कर्ष पर है। कोरोना के विरुद्ध सफल टीकाकरण भी उसका एक कारण है। इस वजह से इस बार की जन्माष्टमी विशेष हो जाती है। सबके हृदय में बसे हैं कृष्ण, घट घट वासी कहते हैं, फिर भी उनके दर्शन के लिए दृष्टि चाहिए। हर ओर, हर प्राणी में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उसे देखने की विराट दृष्टि। जिसके पास ये दृष्टि है उससे भला वो कैसे छिपा रह सकता है। ज्ञान कभी ऊब कर कहता है कि जीवन बंधन है।